जोहार। समय के मुताबिक लगभग कुछ समय लेट हुए हैं लेकिन आ ही गए हैं, तो साथियों अधिकतम शेयर करें और लाइक करें ताकि अपनी बात को हम लोग जल्दी से कह पाए। 9 बजे का समय था हमारा लाइव होने का और साथी लोगों को लिंक भेजें। अनिल भाई मैडा जोहार, ललित डाबी जोहार, डॉक्टर आनंद राय जी जोहार। ये थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाइए ताकि अपन लोग अपनी बात को स्टार्ट कर पाए। थोड़ा रोशनी का अभाव है, अभी बरसात का मौसम है, लाइट वगैरह थोड़ा सा रिमझिम रिमझिम लाइटें भी कर रही है जिसको लेके आपको थोड़ा सा तकलीफ होगी। साथियों मैंने अपनी फेसबुक वॉल पर 9 बजे लाइव आने को बोला था और मैं थोड़ा सा लेट जरूर हुआ हूँ, लेकिन अपनी बात को शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूँ कभी जितने भी साथी अभी इस वीडियो को एफबी पे लाइव देख रहे हैं उनको अधिकतम मित्रों को शेयर करें ताकि अपन लोग अपनी बात को आराम से कर पाएं और अधिकतम लोगों तक पहुंचा पाएं। अब जितने भी साथी अभी देख रहे हैं उसको इस देखने की संख्या को थोड़ा बढ़ाइए। अभी 80 लोग लगभग लाइव देख रहे हैं तो उसको हम चाहते हैं कि 200 के आसपास पहुंच जाए, क्योंकि समय किसी के पास होता नहीं है, लेकिन कुछ खास बात होती है उसको सुनने के लिए या फिर समझने के लिए अपन लोगों को थोड़ा समय निकालना पड़ता है। तो अपनी बात स्टार्ट करने से पहले हम लोग कहना चाह रहे हैं कि हर साल की भांति 15 जुलाई को भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा, जो आदिवासी परिवार का सामाजिक विंग है, उसकी मार्फत से हम लोगों ने गए साल भी राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजा था। इस साल भी हमारा यही फार्मूला है और जो भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा का लेटर हेड पे जो ज्ञापन बना है वो ज्ञापन आप तक बहुत जल्द पहुंच जाएगा। गए साल जो बना था उसमें से कुछ आंशिक संशोधन होने के बाद में अपने अपने जो भी ग्रुप है उस ग्रुपों के मार्फत से आपको वो ज्ञापन पहुंच जाएगा। और हम चाहते हैं कि आपका राजस्थान का जो भील प्रदेश का इलाका है, मध्य प्रदेश का जो भील प्रदेश का इलाका है, गुजरात का जो भील प्रदेश का इलाका है और महाराष्ट्र का जो भील प्रदेश का इलाका लगता है, वहां पे अधिकतम ब्लॉक पे ये जो हमारा सेपरेट भील प्रदेश बनाने की जो डिमांड है, हमारे पुरखों का जो मांग है, उस मांग को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और ये जो ज्ञापन गए साल अपना शायद गए साल दिया था उससे जब जब भी हमने दिया था उसमें 150 ब्लॉक के आसपास पहुंचा था, तो हम चाहते हैं कि अभी 150 ब्लॉक से बढ़ाकर इस ज्ञापन को समथिंग आपके 200 ब्लॉक तक किया जाए। और 200 ब्लॉक तक करेंगे तो हमारी बात निश्चित रूप से आगे तक पहुंचेगी। साथियों लाइव होने का मुख्य कारण था, अभी मैं बता रहा हूं आपको, ये तो हमारा भील प्रदेश का मोटा मोटा तौर पर था। 17 जुलाई 2022 को भील प्रदेश संदेश यात्रा का आह्वान किया है और इस आह्वान के अंदर हमारा जो भी भील प्रदेश टेरिटरी इलाका है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र का इलाका है और कुछ इलाका गैर 5वीं अनुसूची क्षेत्र का है, तो उन इलाकों से अधिकतम साथी भील प्रदेश की धरती, आदिवासियों की शहर स्थली, आदिवासी सांस्कृतिक केंद्र, जो इतिहास में दर्ज है मानगढ़ धाम, मानगढ़ जो बांसवाड़ा जिले की आनंदपुरी ब्लॉक में स्थित है जहां पे हजारों आदिवासियों ने अपनी कुर्बानी दी थी, वो भी अपने सेपरेट राज्य भील प्रदेश के लिए और अपने आदिवासी धर्म परंपरा संस्कृति को बचाने हेतु जो बलिदान दिया था, और हमारे इलाके में वेट वगैरह जो भी सामंती राजाओं और अंग्रेजों द्वारा जो कानून चल रहा था, जो उनका राज चल रहा था, उनके विरोध में गोवंदर महाराज के 1,84,000 मेट कोटवाल इकट्ठे हुए थे, ऐसा कहते हैं, कहते नहीं ऐसा हकीकत है। पूरे भील टेरिटरी में भीलों के गुरु यानी गोविंद गुरु महाराज के अनुयायी थे और वो लोग 1913 में मानगढ़ पे चढ़े थे। उसको लेकर वहां के सामंती राजाओं द्वारा शिकायत की गई कि आदिवासियों में अगर दारू बंद हो जाएगा और वेट वगैरह बंद हो जाएगा तो सरकार की आय और हमारी जो व्यवस्था है और हमारा जो बेनिफिट है वो सारा खत्म हो जाएगा, इसलिए इन भीलों को रोका जाए, ऐसा करके मानगढ़ धाम पे ये हमारे सेपरेट बात करने के लिए इकट्ठे हुए थे। उसी समय कर्नल सटन द्वारा भीलों की एक टुकड़ी जो एमबीसी के नाम से थी उसको भेजा गया और मानगढ़ धाम पर जो शांतिपूर्वक अपनी बात कर रहे थे, अपने समुदाय की बात कर रहे थे, उन हमारे हजारों आदिवासियों पे, बच्चों पे, बूढ़ों पे, महिलाओं पे गोलियां चलाई और वहां से लोग तितर बितर हुए। और वो बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ के नीचे भी गिरे, तत्कालीन समय में बहुत बड़ा घना जंगल हुआ करता था, उस जंगल के अंदर जंगली जानवर भी हमारे पुरखों को खा गए होंगे और जिनको गोलियां लगी वो काले पानी की सजा और अंग्रेजों के अत्याचार और जो सामंती राजाओं के अत्याचार से बचने के लिए उन्होंने किसी को कहा नहीं और अपने घर में ही बैठे रहे और देसी दवाई का इलाज देते रहे, कुछ लोग ठीक हुए और उसके साथ में सैकड़ों हजारों लोग भी मर गए होंगे, ये हमें पूरा
विश्वास है। इसी को लेकर मानगढ़ धाम पर गोवनगर महाराज की धुनी हमारे आदिवासी परंपरा अनुसार बनाई गई थी, जिसमें जिसमें आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान चार राज्य के आदिवासी हर साल मानगढ़ पे इकट्ठा होते हैं और अपने पुरखों की याद में जो हमारे कस्टम परंपरा और जो प्रकृति अनुरूप जो भजन है उसको गाते हैं और प्रकृति की वंदना करते हैं, प्रकृति को याद करते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे मानगढ़ का नाम है वो आगे बढ़ा और विभिन्न सरकारें आई, सरकारों ने टीएडी मत से यानी ट्राइबल फंड जो भी था उसमें छोटा छोटा फंड देकर उसको विकसित किया और मानगढ़ के दो टुकड़े हुए, एक टुकड़ा गुजरात के इलाके में चला गया और एक टुकड़ा राजस्थान के इलाके में आ गया जो बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी तहसील के अंदर ब्लॉक के अंदर स्थित है। और उस इलाके में मानगढ़ का विकास करने हेतु इन लोगों ने धीरे धीरे अपना षड्यंत्र जारी रखा और जो परकोटा गुजरात का इलाके का है उस इलाके में विभिन्न धर्म के लोगों ने जो अपने आप में सनातनी मानते हैं उन धर्म के लोगों ने वहां पे एक आपका हॉल बनाया, उस हॉल में ये धार्मिक मूर्तियां प्रस्थापित कर दी जिसकी वजह से आदिवासी पुरखों का जो हिस्ट्री था, जो इतिहास था, वो इतिहास अब दबसा गया और जो भी लोग जाते हैं तो उन मूर्तियों के भोग लगाने का काम करते हैं और भूल जाते हैं कि यहाँ पे 1500 आदिवासी ऑन रिकॉर्ड मारे गए थे, हत्या की गई थी। ये कहीं ना कहीं हमारे पुरखों के साथ में बहुत बड़ा अत्याचार, अन्याय, शोषण और कुठाराघात हुआ है जिसको लेकर बाद उससे पहले गुजरात के तत्कालीन जो भी मिनिस्टर हुआ करते थे उन्होंने मानापार्गी का घोड़े पे सवार एक हमारा आदिवासी पुरखे का स्टेचू लगाया है, वो कहीं कहीं थोड़ा सा अपना मान सम्मान बचाए हुए हैं, इसको देखते हैं घोड़े पे कौन ऐसा करके लोग देखते हैं। लेकिन आज की तारीख के गुजरात वाले इलाके में जो गुजरात का बिल प्रदेश इलाका है उस इलाके में जो धार्मिक अखाड़ा बन चुका है उसको देखकर इस मानगढ़ धाम पर धीरे धीरे आपका आरएसएस का भी कब्जा हुआ, वनवासी कल्याण परिषद का भी कब्जा हुआ, गायत्री वालों का भी कब्जा हुआ और वो अपने अपने तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम करने लगे। हमें कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय, कोई भी जाति, कोई भी समुदाय मानगढ़ धाम जो आदिवासियों का शहीद स्थली है उसके ऊपर अगर कार्यक्रम करता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप लोग कीजिए। लेकिन कुछ समय पश्चात ही कुछ साल पूर्व में आरएसएस का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसमें आरएसएस के संरक्षक जो भी है अपने मोहन भागवत जी वो भी आए और आदिवासी उनके साथ में जुड़े। फिर धीरे धीरे राजस्थान का जो इलाका था जो सेफ बचा हुआ था पूर्ण रूप से आदिवासी संस्कृति कल्चर के आधार पर, वहां पर वनवासी कल्याण परिषद का इंटरफेयर हुआ और उन्होंने बोले भाले हमारे आदिवासी को जो समझदार नहीं थे उनको झांसे में लेकर हनुमान जी की मूर्ति प्रस्थापित कर दी, पहले वहां डिजाइन किया फिर उसके बाद में मूर्ति स्थापित कर दी जिससे गोविंद गुरु महाराज का जो वर्चस्व या जो उनका रुतबा था मूर्ति का वो कम हुआ और लोग उस मूर्ति की ओर जाने लगे। अब धीरे धीरे ये कारवा इनका जो षड्यंत्र है वो आगे बढ़ता गया और एक साइड में हमारा जो आदिवासी परिवार बिल प्रदेश का जो कारवा है वो आगे बढ़ता गया। ठीक हम लोग देखते हैं 2013 के अंदर मानगढ़ धाम में दोनों सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी का रैली हुआ, सभा हुई। उस समय तत्कालीन 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान में है अशोक जी गहलोत साहब थे, उन्होंने ट्राइबल मिनिस्टर महेंद्रजीत सिंह मालविया के सानिध्य में मानगढ़ धाम पर उन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें आदिवासियों को लुभाने का काम स्टार्ट हुआ। ठीक उसी प्रकार से उसी समय मानगढ़ धाम पर बीजेपी का भी कार्यक्रम प्रस्तावित था और बीजेपी को परमिशन नहीं मिली, वो नीचे निचले स्तर पे निचले इलाके में उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कहा था बीजेपी वालों ने कि अगर हम लोग सत्ता में आए तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के जो इलाका है उन इलाकों को हम लोग नया सेपरेट आदिवासी स्टेट यानी अर्थात बिल प्रदेश का दर्जा देंगे और यहां एक नया राज्य बनेगा। ये हम लोग कोई हवा हवाई फायर नहीं कर रहे हैं, सरकार का हमारे पास एविडेंस है, तत्कालीन समय में जो भी लोग थे और जो भी बोलने वाले थे चाहे गुलाबचंद कटारिया हो, चाहे कनकमल कटारा हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे जितने भी बीजेपी के लोग थे वो सारे बोले हैं। उधर से महाराष्ट्र से आपका मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान वगैरह बोले हैं, गुजरात के जो भी ट्राइबल लोग थे वो बोले हैं, मंत्री सत्री बने हुए थे वो बोले हैं और उन्होंने आदिवासियों को लुभाकर 2013 के चुनाव में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र चारों राज्यों में बीजेपी की सत्ता प्रस्थापित कर दी। और बीजेपी की सत्ता प्रस्थापित करने के बाद में आदिवासियों को वो जो वोट लिए थे वो वोट थे कि आपका मानगढ़ धाम है उसको, मतलब ये जो आपका इलाका है उसको हम नया ट्राइबल स्टेट बिल प्रदेश बनाएंगे, ऐसा करके आदिवासियों को वोट बैंक हत्या लिया और चारों स्टेटों में बीजेपी की सरकार आ गई। लेकिन उसके बाद में उन्होंने सारे जितने भी वादे थे वो मिट्टी में मिला दिए और आदिवासियों के साथ में षड्यंत्र हुआ। अब इस बात को धीरे धीरे हम लोग समझ गए, 2013 का चुनाव हुआ, जो कांग्रेस सरकार थी वो पलट गई, बीजेपी सरकार आ गई।
इसके बाद में धीरे 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 मानगढ़ के ऊपर विभिन्न पर संस्कृतिकरण जो आदिवासी धर्म परंपरा को नहीं मानते हैं वो लोग आने लग गए और उन लोगों ने आके मानगढ़ को एक धार्मिक अखाड़ा बना दिया। मैं कहना चाह रहा हूं चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो गायत्री हो, चाहे वो कोई भी हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम लोग, ये हमारा देश है वो आपका धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान भी धर्मनिरपेक्ष की व्याख्या करता है। तो आदिवासियों का जो अस्तित्व है वो किसी धर्म से नहीं है, आदिवासियों के ऊपर हिंदू विवाद अधिनियम लागू नहीं होता, आपका सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है, संविधान भी बोल रहा है, कानून और कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल रहा है, लेकिन जबरन हमारे आदिवासियों को किसी धर्म की ओर धकेला जा रहा है। कोई हिंदू धर्म वाला आदमी मुस्लिम के मस्जिद के ऊपर हिंदू धर्म का झंडा नहीं फहरा सकता, ये दोनों धर्म का अपमान होगा। कोई मुस्लिम धर्म वाला आदमी हिंदू धर्म के जो मंदिर है उनके ऊपर उनका जो आपका उनके खुदा का जो ध्वज है वो नहीं फहरा सकता, और आपका ईसाई किसी मस्जिद मंदिर पे अपना ध्वज नहीं फहरा सकता। इसके बाद में हमारा जो सिख समुदाय है भारत देश के अंदर, वो विभिन्न धर्मों के जो स्थान है उनके ऊपर उसका ध्वज नहीं फहरा सकता। ठीक उसी प्रकार से जो आदिवासियों के कुदरती आदिवासियों के शहीदी स्थल है उनके ऊपर कोई भी किसी धर्म का ध्वज नहीं फहरा सकता। ये बात आपको और हम सबको माननी चाहिए। और अभी कुछ साल पूर्व मानगढ़ का जो परसंस्कृतिकरण, मानगढ़ का जो सत्यानाश हो रहा है वो विगत 10 साल के अंदर अंदर ही हुआ है और अभी हद पार कर दी। कुछ समय पूर्व हमारे ये जो आपका कुंभलगढ़ है वहां पे पूजा भील की मूर्ति तोड़कर हम लोगों ने आंदोलन किया, मूर्ति नहीं लगाई, लगाने के बाद में वहां पे भगवा फहरा दिया गया, हमने विरोध किया, रातों रात में वो हटा दिया। हमने पूजा भील अकेले की मूर्ति नहीं लगाई, महाराणा प्रताप की मूर्ति टूटी थी उसके लिए भी हमने बोला, दोनों मूर्तियां लगी। लेकिन आज की तारीख में मानगढ़ धाम के ऊपर उन्होंने जैसे जयपुर के अंदर रामागढ़ के अंदर एक कांड हुआ था उसमें भी इस प्रकार का षड्यंत्र खेला गया था, ठीक उसी प्रकार से अभी छत्तीसगढ़ के अंदर कछारगढ़ है जहां पे आदिवासियों का गुफा है और आदिवासियों के देव जो भी आदिवासी मानते हैं उनमें उनका रहवास था वहां पे भी कब्जा हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से मीनाक्षी मदुराई मंदिर है उसके ऊपर भी आपका कब्जा हो रहा है, जिसमें 15 दिन ट्राइबल पूजा कर रहा है, 15 दिन नॉन ट्राइबल पूजा कर रहा है। इसके बाद में जो आपका उड़ीसा के अंदर हम लोग रथ निकालते हैं जिसको आपका जगदीश बोला गया है, उस रथ का सबसे पहले शुरुआत आदिवासी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे लोग भोले भाले थे, उन लोगों ने विभिन्न आदिवासियों के जो धर्म परंपरा संस्कृति का जो स्थल था उस स्थल पे कब्जा कर लिया है। उसी प्रकार से मानगढ़ को राष्ट्र दर्जा दिलाएंगे ऐसा कहकर ये लोग अब मानगढ़ के ऊपर विभिन्न धर्मों के ध्वज लेके पहुंच रहे हैं, जिसमें खास करके भगवा मानगढ़ पर फहराने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे हमारे गोवनगढ़ महाराज का और हमारे आदिवासियों का जो अपमान हुआ है वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग आपके विरोधी नहीं है, हम लोग आपका संगठन चलाओ, लेकिन जो मामला मंदिर पे अच्छा लगता है वहां पे चढ़ाइए, जो मामला मस्जिद पे अच्छा लगता है वहां पे चढ़ाइए, जो मामला गुरुद्वार पे अच्छा लगता है वहां पे चढ़ाइए, जो मामला आपका चर्च में अच्छा लगता है वहां पे चढ़ाइए, लेकिन ये जो खास करके 3 लोग हैं वो ये आदिवासी आस्था स्थल को डैमेज नहीं कर रहे हैं, एक ही प्रकार का लोग है जो आदिवासी को आस्था स्थल पर डैमेज कर रहा है, वो है आपका आरएसएस का झंडा, जो भगवा झंडा है। हम भगवे झंडे की विरोधी नहीं, आपकी संस्कृति हो सकती है, आपकी परंपरा हो सकती है, आप लोग अपने घरों में लगाइए, मंदिरों में लगाइए, जो आपके मंदिर है उनमें लगाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या जब देश की आजादी के लिए आदिवासी आगे आ रहे थे, देश की आजादी के लिए अन्य लोग आगे आ रहे थे, हाथ में भगवा लेके दौड़ रहे थे या तिरंगा लेके दौड़ रहे थे? ये आप लोगों को मंथन करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। हम लोग आपके झंडे का सम्मान करते हैं, कोई विरोधी नहीं है, लेकिन आप लोग हमारे ऊपर अतिक्रमण करके हमारे आस्था स्थल पे आप लोगों का जबरन ये मामला मत लगाइए। और जो भी हमारे गोवनगढ़ महाराज के भगत है, मेट कोटवाल है, उनको मैं कहना चाह रहा हूं गोवनगढ़ महाराज ने जो उपदेश दिए थे उस उपदेश से हटकर आप लोग परसंस्कृतिकरण हो रहे हैं, जिससे आने वाले समय में हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर आपको थोड़ा पता नहीं हो तो आप लोग थोड़ा सा और ध्यान रखिए और उसको खोजिए। गोवनगढ़ महाराज ने मानगढ़ धाम के ऊपर सारे भगवा जो आपके ये थे पगड़िया उसको जलाया था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर ये आपको विश्वास नहीं हो तो आप जो साहित्य बना हुआ हिस्ट्री है उसको लाके पढ़िए। और गोवनगढ़ महाराज ने जितने भी मंत्र दिए थे उस मंत्र में किसी भगवान का नाम नहीं था, कुदरत के हर अंश का, कुदरत के हर प्रकार के अंग का नाम था, उसको आप लोग भुला चुके हो। आप गोवनगढ़ महाराज की भक्ति के मामले में कहीं ना कहीं दूसरी भक्ति मिक्स करके आदिवासी संस्कृति परंपरा को खत्म कर रहे हो, आदिवासी साधु के नाम से आप लोग दूसरे धर्म की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। साथियों, इसलिए हमने आह्वान किया है 17 जुलाई 2022 को राजस्थान का ये हमारा बाड़मेर, पाली, जालोर,
और आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद का इलाका जो चित्तौड़ वाला इलाका पड़ता है, वहां से हजारों की संख्या में हमारे आदिवासी भाई उपस्थित होंगे। इसके बाद में मध्य प्रदेश का जो इलाका हमारा बिल प्रदेश टेरिटरी में है, वहां से हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहेंगे। गुजरात का जो इलाका है, राजस्थान से सटा हुआ पूरा, उधर से लेके बाड़मेर से लेके पूरा लास्ट आपका महाराष्ट्र तक, और महाराष्ट्र का जो इलाका है बिल प्रदेश का, वो सारे के सारे आदिवासी भाइयों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि हमारा जो बिल प्रदेश टेरिटरी का एकमात्र इलाका बचा हुआ है जिसमें हमारा हिस्ट्री है, हमारा कल्चर है, हमारा संविधान है और जिसमें हमारी आस्था है, उस आस्था को जिंदा रखने के लिए, उसके ऊपर जो अतिक्रमण हो रहा है उसको हटाने के लिए और इसके ऊपर जो विभिन्न प्रकार के लोग चढ़ रहे हैं, वो आपका शहीद स्थल है, उसके ऊपर कोई भी जा सकता है, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन अतिक्रमण हो रहा है षड्यंत्र पूर्वक, उसको बताने के लिए हजारों लाखों की संख्या में अपने सविवेक से, सबुद्धि से और सब अनुशासन से अपने तरीके से मानगढ़ धाम पर पहुंचे और उसमें आप सभी लोग बिल प्रदेश के झंडियां और हमारे लाल, सफेद और हरा जो आदिवासियों की धर्म संस्कृति का परंपरा का जो प्रतीक है, जिसके अंदर सूर्य, चांद और साइड में जो किनारी लगी हुई है, बॉर्डर लगा हुआ है, वो तारों का प्रतीक है। जब हमारे आदिवासियों में जब लाइट की परंपरा नहीं हुई थी, चिमनी नहीं थी, घास तेल नहीं था, उस समय हमारे लोग दिन में सूर्य को देखकर अपना जीवन यापन करते थे और जिस समय चांद नहीं हुआ करते थे उस समय तारों की रोशनी से अपना जीवन यापन किया करते थे और तारे और चांद के समय चांद पूरा होता था उस समय हमारे लोग चांद को देखकर अपना रात का समय पूरा करते थे। ये हमारे लिए जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, कुदरत है, वही हमारे लिए इष्ट देव हैं, हमारे ईश्वर हैं, ये परंपरा है, हमारी कुदरती ताकत है जो हमें शक्ति दे रही है, ये चारों तरफ से पेड़ पौधे जो हमें जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन दे रहे हैं और चारों तरफ से आपका जो पानी है वो हमें जल के रूप में उपलब्ध हो रहा है। इसलिए पूरे देश का आदिवासी प्रकृति पूजक है और सभी आदिवासियों का अपना अपना एक अलग धर्म है, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा है जो संविधान भी मानता है, सुप्रीम कोर्ट भी मानता है, लेकिन धर्म की राजनीति में हमें कहीं ना कहीं षड्यंत्र पूर्वक बंटवारा कर दिया जा रहा है। जो लोग जानते हुए भी जानबूझकर हमारे लोगों को खड्डे में गिरा रहे हैं, कुदरत उनको आने वाले समय में जरूर सबक सिखाएगी। साथियों, मानगढ़ धाम आदिवासियों का आस्था स्थल होते हुए आज धार्मिक अखाड़ा बन चुका है। मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारा जो मानगढ़ धाम का जो कांड हुआ, वो कांड 1913 में हुआ, उसके बाद में 1919 के अंदर जलियांवाला कांड हुआ जो पंजाब और वर्तमान हरियाणा पंजाब का इलाके में है, वहां पर तो उनको राष्ट्रीय दर्जा मिल गया जिसमें 200 लोग के आसपास मरे थे और हमारे 1500 लोग आदिवासी मारे गए, उसको आज तक राष्ट्रीय दर्जा नहीं मिला है। और जो आरएसएस के लोग हैं और जो राष्ट्रवाद के नाम पर काम कर रहे हैं, अपने तरीके से राष्ट्रवाद का नाम दर्जा दे रहे हैं, वो लोग आपका जो जलियांवाला हुआ था वहां पे ये झंडा नहीं फहरा रहे हैं और आदिवासियों के आस्था स्थल पे ये झंडा लेके पहुंच रहे हैं, तो ये दोहरी नीति चल रही है, इसके लिए भी हमें सावधान होना है। साथियों, मेरा इंटरनेट भी लगभग खत्म सा होने आ गया है, तो आपने मेरी बात सुनी। 17 तारीख के दिन अधिकतम संख्या में युवा साथी जितने भी बिल प्रदेश आदिवासी परिवार को मान रहे हैं वो अवश्य पधारें। और एक बात और कहना चाह रहा हूं कि जो भी हमारे ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं पार्टियों वाला, तो पार्टी का कार्यक्रम हो चुका, यहाँ पे किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, किसी पार्टी का झंडा हमारे साथ में नहीं चलेगा। पार्टी का झंडा लेके आए तो वही डंडा आपके ऊपर पड़ेगा और वो कार्यकर्ता मारेंगे, हम लोग आपको कोई नहीं कह सकते। इसलिए ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से आदिवासी सामाजिक कार्यक्रम है, आदिवासी परिवार बिल प्रदेश का कार्यक्रम है, किसी भी पार्टी का झंडा नहीं चलेगा, कोई पार्टी का पदाधिकारी में फलाना पदाधिकारी में ढेकड़ा पदाधिकारी ये भी नहीं चलेगा। आपका कार्यक्रम था, आपने कर लिया, और उनका कार्यक्रम था, उन्होंने कर लिया, ये पूर्ण रूप से आदिवासी समुदाय का कार्यक्रम है, आदिवासी परिवार का कार्यक्रम है, बिल प्रदेश विजन का कार्यक्रम है। इसलिए जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि हम लोग 17 को मानगढ़ पे चलेंगे, वो तो आप लोग जाके आ गए, मजीरे बजा के आ गए, मात्र 100 लोग थे हमने देख लिया, लेकिन फिर भी आप लोगों को आना है, समुदाय के साथ में रहना है, तो आइए, किसी भी पार्टी में हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से सामाजिक कार्यक्रम है, आदिवासी परिवार और बिल प्रदेश का कार्यक्रम है। और मैं बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के जो साथी है उनसे आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोगों को मॉनिटरिंग का काम करना है, वॉलंटियर का काम करना है, और बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के साथियों को भी, युवा मोर्चा के साथियों को भी कहना चाह रहा हूं कि आप में से भी लोग अधिकतम वॉलंटियर का काम करेंगे। ये कार्यक्रम आपका है, अपना है, पूरे आदिवासी समुदाय का है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र से हजारों की संख्या में लोग आएंगे, उन लोगों की व्यवस्था में आपको रहना है, कोई बाहरी तत्व किस प्रकार का कोई षड्यंत्र नहीं करे, इसका भी आपको ख्याल रखना है, सभी को ख्याल रखना है, अपने अपने मोबाइल बैटरी चार्ज करके लाना है और चारों तरफ से वीडियो भी लेने हैं, और यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएगा। इसी आशा विश्वास के साथ में 17 तारीख को बिल प्रदेश संदेश यात्रा में
आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत जोहार है और इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर आदिवासी एकता का परिचय दीजिए और देश के आदिवासी को एक होने का संदेश दीजिए। एक यहां से जो आपका ज्वाला उठा है उस ज्वाला की ओर पूरे देश के आदिवासी देख रहे हैं और उन आदिवासियों का विश्वास जीतने में हम कामयाब होंगे। और हम लोग चाहते हैं मानगढ़ धाम से उस दिन आह्वान करेंगे, हम रोज आह्वान करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर हमें एक आदिवासी समन्वय समिति बनाने की जरूरत है जिसमें 10 राज्य जो पांचवें अनुसूची के क्षेत्र के हैं और बाकी के जो आपका शिक्षण क्षेत्र के हैं और बाकी जो सिविल एरिया में जो आदिवासी रहते हैं उनको लेकर हम लोग एक मंच बनाए और जो हमारे आदिवासी मुद्दे हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं और राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर जो हमारे साथ में उठा रहा गया षड्यंत्र हो रहा है उसको हम लोग कैसे निपटें और आदिवासी को आने वाले समय में हम लोग संवैधानिक दर्जा जो मिला हुआ है, जो हमारे राइट्स मिले हुए हैं उसको हम लोग कैसे प्राप्त करें। और धीरे धीरे जंगल कटाई हो रही है, आदिवासियों को मारा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, गुना में आदिवासी महिला को जिंदा जलाया गया, ठीक उसी प्रकार से इन लोगों की कैसे रक्षा करें वो हम लोग सभी मिलकर काम करेंगे तो आने वाले समय में हमारा आदिवासी का अस्तित्व जिंदा रहेगा। इसी आशा विश्वास के साथ में पुनः एक बार से आप सभी को आह्वान है, कुदरत की शक्ति आपके साथ में है, बरसात का मौसम है और कुदरत का अच्छा नजारा है, सविवेक से अपने तरीके से 17 तारीख को समथिंग आसपास के लोग 10:30 से 11 बजे पहुंच जाएं और दूर से आने वाले साथी किसी भी हाल में 11:30 तक मानगढ़ धाम तक अपनी उपस्थिति दे देवे। आप सभी ने मेरी बात को सुना, इस चीज को आगे बढ़ाना, शेयर करना और अधिकतम लोगों को पहुंचाना। और जो साथी अपना YouTube चैनल चला रहे हैं उसको डाउनलोड करके YouTube चैनल पे चलाइए और 17 तारीख को पूरे भील प्रदेश के आदिवासियों को अपनी ओर आह्वान कीजिए और मानगढ़ धाम को बचाने का पूरा आह्वान कीजिए और वहां पे अपन लोग मिलेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ में धन्यवाद, जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय संविधान। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।